हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मोंटू शालू निटवेयर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 109 आईटीआर पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 दिसंबर 2023 को आया। इस केस के अंदर असेसी वियरिंग अप्रेयल्स के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। असेसी के यहां सेक्शन 133 ए के यहां सर्वे होता है, सेक्शन 133 ए के अंदर सर्वे होता है और उस सर्वे के दौरान यह पाया जाता है सर्वे टीम के द्वारा कि असेसी के पास 50 लाख रुपए का ऐसा स्टॉक है जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। असेसी लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए इस 50 लाख रुपए की वैल्यू को यह एडमिट कर लेता है कि यह मेरी बिजनेस इनकम है और ये वो स्टॉक है जो कि मेरे बिजनेस से ही रिलेटेड है और उस 50 लाख रुपए को एडमिट कर लेता है कि यह मेरी बिजनेस इनकम ही है। और जब असेसी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो इस 50 लाख रुपए की इनकम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करके नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से उस पर टैक्स भी दे देता है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने दो गलतियां की। पहला यह कि जब असेसी इस 50 लाख रुपए को अपनी इनकम में ऑलरेडी ले चुका था तो उसके बाद फिर दोबारा असेसिंग ऑफिसर ने इस 50 लाख रुपए को और एडिशन कर दिया। दूसरा, सेक्शन 69B जो कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, सेक्शन 69B लगाते हुए असेसी के ऊपर जो 50 लाख रुपए का दोबारा एडिशन किया उसके ऊपर सेक्शन 115BBE जिसके अंदर हायर रेट ऑफ टैक्स है 60% वो दोबारा लगा दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब असेसी ने उस 50 लाख रुपए को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया था तो एओ ने फिर दोबारा उस 50 लाख रुपए को इनकम में ऐड कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने यह तो माना कि यह जो 50 लाख रुपए असेसिंग ऑफिसर ने दोबारा ऐड किया है यह गलत किया है, उस एडिशन को तो सीआईटी अपील ने डिलीट कर दिया। लेकिन जो असेसी का जो सेकेंड ग्राउंड था कि जो 50 लाख रुपए सर्वे के टाइम पर जो एक्स्ट्रा स्टॉक मिला था जो असेसी के बिजनेस से रिलेटेड था जिस पर असेसी ने नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स दिया था उस पर एओ ने बढ़ा हुआ रेट लगा दिया था सेक्शन 115BBE का, उसको सही माना। असेसी इस 60% के रेट के लिए आईटीएटी गया और आईटीएटी का यह कहना था कि डिपार्टमेंट इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि जो एक्सेस स्टॉक 50 लाख रुपए का ड्यूरिंग द सर्वे पाया गया उसका संबंध असेसी के बिजनेस के अलावा किसी और अदर रिसीट से है। सेक्शन 69B की यह मर्यादा है कि यदि असेसी अपनी उस इनकम का जो इनकम अनडिस्क्लोज्ड पाई जाती है यदि उसका सोर्स बता देता है तो फिर सेक्शन 69B अप्लाई नहीं होगा, वो नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर बढ़ा हुआ रेट नहीं लगेगा। आईटीएटी ने यह कहा प्रेजेंट केस में जो एक्सेस स्टॉक है वो एक्सेस स्टॉक वो जो असेसी जिन आइटम से डील कर रहा था सारे आइटम्स दोनों में कॉमन है और ये असेसी के बिजनेस से रिलेटेड है। आईटीएटी का यह भी कहना था कि जो डिफरेंस इन स्टॉक है वो प्योरली वो बिजनेस के नेचर में है। खाली जो इशू इन्वॉल्व है इस केस में वो ये है कि एट द टाइम ऑफ सर्वे जो स्टॉक ज्यादा पाया गया वो असेसी की बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, जो सेक्शन 69B की पहली कंडीशन है कि वो अनरिकॉर्डेड होना चाहिए वो तो पूरी होती है इस केस में। लेकिन जो सोर्स बताने वाली बात है कि यदि एसएससी उसका सोर्स नहीं बता पाया तभी सेक्शन 69B लगा सकते हैं, वो कंडीशन इस केस में पूरी नहीं होती क्योंकि एसएससी ने उस एक्सेस स्टॉक का सोर्स बता दिया था कि ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो ऐसी परिस्थिति में
असेसी को सेक्शन 69 बी के रिगर और सेक्शन 115 बीबीई के अंदर ड्रैग नहीं किया जा सकता, और आईटीएटी ने जो असेसिंग ऑफिसर ने बढ़ा हुआ रेट लगाया था 60% का, उसको भी हटा दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है मोंटू शालू निटवेयर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 109 आईटीआर पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।